हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? लेक्चर नंबर 3 में स्वागत है आप सभी का। चलो बच्चों, पहले तो दिक्कत यह है कि इस लेक्चर 3 में हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। इस लेक्चर 3 में हम खाली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? खाली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले उल्टी कर दी अमिताभ बच्चन जी ने, तो शुरुआत में उल्टी कर दी भाई। क्वेश्चन क्या है ऐसा जी इन्होंने उल्टी कर दी? चलो देखो, पर देखते हैं कि उल्टी करी इन्होंने। अ कार हैज़ टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। ठीक है, पहले कभी भी फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ना। एक साथ पूरा पढ़ने जाओगे तो उल्टी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। आप कहाँ पे हो? पहले ए पे हो। ए से कहाँ गए होंगे? बी पे। कितना डिस्टेंस है भाई ये टोटल? 60 किलोमीटर। अब आगे पढ़ो। इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, हाफ ऑफ द टोटल टाइम। हाफ ऑफ द टोटल टाइम का मतलब क्या होगा पहले ये बताओ मुझे। जैसे कि मान लो ए से बी जाने में सपोज 100 सेकंड लगते होंगे। कितने सेकंड लगते होंगे? 100 सेकंड। जस्ट इमेजिन ऐसा होगा। तो हाफ ऑफ द टोटल टाइम का मतलब क्या होगा रे? आधा समय मतलब 50 सेकंड। ये होता है हाफ ऑफ द टोटल समय। ठीक है, अब 50 सेकंड की अगर मैं बात करूँ या हाफ ऑफ द टोटल टाइम की बात करूँ, इसका मतलब मैं डायग्राम में ऐसे नहीं दिखाऊंगा सेंटर पे। ये तो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस हो गया ना। देखो एग्जैक्टली आधा डिस्टेंस हो चुका है ये तो। ठीक है, 60 किलोमीटर का ये 30 दिख रहा है और ये भी 30 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन उसने क्या बोला है? हाफ ऑफ द टोटल टाइम। हाफ ऑफ द टोटल टाइम सेम रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली सेंटर पर रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आधे समय के लिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, बाद में आधे समय के लिए स्पीड उसने कम कर दी हो, कुछ भी हो सकता है भाई, यू नेवर नो। तो इसके डायग्राम जो बनेगी, कभी भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को ना थोड़ा डायग्राम से सॉल्व करना। तो इसके डायग्राम कुछ ऐसी बननी चाहिए मेरे हिसाब से कि मान लो कि कुछ ये टाइम है यहाँ ए से लेके सी का, दिस इज योर हाफ ऑफ द टोटल टाइम। हो सकता है ये स्पीड में, ये टाइम में, ये डिस्टेंस में उसने स्पीड कम रखी हो और बाद में स्पीड एकदम से बढ़ा दी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ बचा हुआ टाइम को, दैट इज टी बाय टू। तो इसको हटा देते हैं 60 किलोमीटर को। ये हो गया, हमने डिवाइड कर दिया पूरे जर्नी को दो टाइम फ्रेम में, दो टाइम स्लॉट में, एक हाफ टाइम और दूसरा भी हाफ टाइम। हमने सेम या हाफ डिस्टेंस में सिनारियों को डिवाइड नहीं किया है, पहले तो इस चीज़ को क्लैरिटी रखो। अब पहले हाफ टाइम में उसकी स्पीड कितनी थी पढ़ो, 80 किलोमीटर पर आवर। रेस्ट ऑफ द हाफ टाइम में कितनी स्पीड थी उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड थी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने वैल्यूज ली थी 100 सेकंड, इज आर हाइपोथेटिकल वैल्यूज, इसका तो कोई काम नहीं है। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? देखो, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल व्हाट? टाइम। अब देखो जरा टोटल डिस्टेंस कैसे लूँ। देखो ए से सी आप गए, ए से सी प्लस सी से बी, यही डिस्टेंस होगा ना टोटल। चलो ठीक है, प्लस अपॉन ए से सी जाने में कितना टाइम लगा और सी से बी जाने में कितना टाइम लगा, टी बाय टू प्लस टी बाय टू, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों? कैपिटल टी। अब मुझे ए सी ये डिस्टेंस चाहिए तभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा ना। चलो ए सी को मैं डायग्रामेटिकली ड्रॉ करता हूँ। दिस इज पॉइंट ए और ये पॉइंट सी है। ए से सी जाने में टाइम लग रहा है टी बाय टू, वेलोसिटी है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस कितना है वही तो फाइंड करना है भाई, कि ए से सी डिस्टेंस कितना है, डी ए सी क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलो इसको लिखता हूँ मैं। सो आई कैन राइट वेलोसिटी बिटवीन ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी डिवाइडेड बाय टाइम बिटवीन ए सी, कितना होगा? टी बाय टू। तो वेलोसिटी बिटवीन ए सी कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, टाइम टाइम इको इधर मल्टीप्लाई कर दो टी बाय टू, क्योंकि हमें टोटल टाइम भी तो नहीं पता है ना। तो डी ए सी कितना आया? डी ए सी आया बच्चों आपका 40 टी, सही है। तो उसी तरीके से आप मुझे बता सकते हो सी से जब वो बी पे जाएगा तब कितना टाइम लग रहा था टी बाय टू, स्पीड कितनी रखी थी उसने, स्पीड कितनी रखी थी उसने सेकंड केस में? 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 40 km/h। और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? डी सी बी। तो चलो अब इसको लिखो यहाँ पे। सो वी सी बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन सी बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज टी बाय टू। तो यहाँ पे डी सी बी क्या आएगा? डी सी बी इक्वल्स टू वी सी बी यानी कि 40
और दिस इज़ टी बाय टू, तो ये आएगा 20 टाइम्स टी डी सी बी। अब निकालो एवरेज स्पीड। अब आसान है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस दैट इज डी ए सी प्लस डी सी बी, यानी कि 40 टी प्लस 20 टी डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज टी। ठीक है, ये होगा कुछ इस तरीके से, यानी कि आंसर होगा 60 किलोमीटर पर आर। क्या ये ऑप्शन में है? 60 किलोमीटर पर आर, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 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 ठीक है चलो। अरे अमिताभ बच्चन जी फिर से आ गए और हाथ जोड़ दिए इस बार, तो क्या कहना है क्वेश्चन का? देखो पढ़ो क्वेश्चन को। ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ ए 60 मिनट ट्रिप, पहली बात तो क्वेश्चन को कभी पूरा मत पढ़ना, पहले एक लाइन पढ़ो डेटा लिखो। चलो ए से तुम गए होंगे बी पे, ठीक है भाई ए से बी पे गए। उसने बोला है ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ ए 60 मिनट ट्रिप। मुझे बताओ 60 मिनट ट्रिप का क्या मतलब है इसका? 60 मिनट ट्रिप का क्या कहना बात होगा, क्या कहना चाह रहा होगा? उसका कहना यह है कि ए से बी जाने में तुम लोगों को 60 मिनट लगने वाले हैं। कितना टाइम लगने वाला है? 60, यानी कि मैं टोटल टाइम कैपिटल टी कितना लिख दूँ? 60 मिनट, पहली बात तो। उसमें से उसने बोला है भाई ने कि 18 मिनट बोले तो कुछ यहाँ पे हो सकता है, वो ए से सी जाने में सपोज 18 मिनट लग सकते हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट में उसकी स्पीड दी गई है कितनी? 11 m/s ऐसा कुछ तो भी लिखा है उसने, रुको रुको रुको, 11 m-1 ऐसा लिखा है ना, हाँ इसका मतलब होगा 11 m/min। उसने किलोमीटर के फॉर्म में नहीं दिया है, इसको बाद में कन्वर्जन कर लेंगे हम, पहले तो डेटा लिख लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, ए से लेके सी की स्पीड कितनी होगी? ए से लेके सी की स्पीड है 11 m/min, इतनी स्पीड है। डिस्टेंस कितना होगा ए से लेके सी का? मुझे नहीं पता तो मैं लिख लेता हूँ इसको d1। क्योंकि जब भी आप, तीन चीज़ें आपको लिखना है, पहले तो टाइम लिखना है दिस इज टाइम t1, वेलोसिटी लिखना है v1, और डिस्टेंस लिखना है d1। अब अपने पास तीनों चीज़ें पता है, अपन कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड फॉर द रिमेनिंग 42 मिनट? रिमेनिंग 42 मिनट मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बचा हुआ टाइम 42 मिनट में उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए, यही सवाल है उसका, क्या स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन मार्क। और डिस्टेंस कितना होगा? d2, मैं ऐसा लिखता हूँ, चलेगा? चलो सी से लेके बी का डिस्टेंस कितना है? d2। अब उसने क्या पूछा है देखो अभी, सो दैट हिज कार हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 21 m/min फॉर द एंटायर ट्रिप। जो भी एवरेज स्पीड आएंगी ए से बी जाने में, जो भी एवरेज स्पीड आएगी ए से बी जाने में वो कितनी आनी चाहिए? 21 m/min ये आनी चाहिए। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे नहीं हम इसको, बस सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं इसको, चलो आ जाओ। सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख के बताओ मुझे, एवरेज स्पीड कैसे लिखोगे? बच्चों एवरेज स्पीड ऑलवेज होती है, ऑलवेज कुछ भी हो जाए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वॉट टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वॉट टाइम, ठीक है। अब एवरेज स्पीड उसने दी है हमें, कितनी दी है? 21 m/min। अब मैं डेटा को कन्वर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि तीनों के तीनों वेलोसिटी उसने उसी में दी हैं, तो आने वाला आंसर भी अपना उसी में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? टोटल डिस्टेंस उसने दिया है देखो d1 + d2, यही दिया है, देखो डायग्राम में तुम खुद, d1 + d2। ए से लेके सी का डिस्टेंस d1 है, सी से लेके बी का डिस्टेंस d2 है, तो इसे d1 + d2। टोटल टाइम क्या दिया है हमें? देखो टोटल टाइम इज 60 मिनट, 60 मिनट का हमें टोटल टाइम दिया है, दैट इज टी। तो मैं वैल्यूज लिखता हूँ 21 = अब जरा देखो d1 को क्या सब्सिट्यूट करोगे, d1 दिया है क्या? नहीं, d1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो ए से लेके सी के बीच में का डिस्टेंस को उन्होंने d1 कहा है, पहली बात तो इसको क्लियर कर दूँ। ए से लेके सी के बीच में के डिस्टेंस को क्या कहा है उसने? दैट इज d1, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है ए से लेके सी को जाने में? 18 मिनट्स। कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। और स्पीड कितनी है ए से लेके सी के बीच में? मेरे ख्याल से स्पीड कितनी है देखने दो, 60 कितना है एवरेज स्पीड? 11। तो यहाँ से हम d1 निकाल सकते हैं। d1 कैसे निकालोगे? v1 = d1 upon t1। सो d1 = v1 × t1। v1 कितना है? v1 इज 11, t1 कितना है? 18। सो दिस इज d1। तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा कुछ, इसको मल्टीप्लाई करो तुम लोग खुद से भी, तो ये मैं कैलकुलेटर से डायरेक्टली लिख लेता हूँ, दिस इज़ 198। ओके
डी वन ना रहे, डी टू कहाँ से ला लिया मैंने बीच में, डी वन आएगा ये, ठीक है। चलो अब डी टू पे जाते हैं, डी टू पे जाते हैं। अब डी टू कैसे निकालोगे, देखो सी से लेके बी तक, सी से लेके बी तक कितना टाइम है पहले ये बताओ, 42 मिनट का टाइम है। इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डी टू। कितनी स्पीड होंगी उसकी, वी टू, वही तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं डी टू को लिख सकता हूँ, देखो वी टू को पहले लिख लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से मैं डी टू लिख सकता हूँ, वी टू इंटू टी टू, वी टू इज क्वेश्चन मार्क, टी टू इज 42 मिनट। यानी कि मैं डी टू को ये लिख सकता हूँ और डी वन को 198 लिख सकता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब निकालो एवरेज स्पीड, आ जाओ उस पर। एवरेज स्पीड हमने ऑलरेडी लिखा है तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड डी वन प्लस डी टू, डी वन कितना है आपका 198, डी वन इज 198 प्लस डी टू कितना, वी टू इंटू 42, वी टू इंटू 42 अपॉन टोटल टाइम कितना है बच्चों 60। एवरेज स्पीड उसने दी है दैट इज 21, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 21। इसको सॉल्व करो अभी, 21 इंटू 60 इक्वल्स टू 198 प्लस 42 इंटू वी टू, क्या है तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 21 इंटू 60 होता है बच्चों 1260 माइनस 198 इक्वल्स टू 42 इंटू वी टू, ऐसे लिखना पड़ेगा ना हमें। चलो ठीक है, तो इसको क्या आएगा आंसर, तो इसका आंसर आएगा 1260 में से 198 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1062 इक्वल्स टू 42 इंटू वी टू। तो इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, 1062 डिवाइडेड बाय 42 कितना आएगा, वी टू, वी टू आ रहा है बच्चों कुछ 25.3 मीटर पर मिनट। हमें यूनिट के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, जो यूनिट उसने दिया है हम उसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पर रुकेंगे नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना है नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखो चलो आप बोर वोर तो नहीं हो गए, बोर हो गए तो म्यूजिक व्यूजिक लगा दो क्या कोई बताओ। चलो थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, चलो थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, चलो 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 म्यूजिक सुनना है तुम लोगों को, चलो थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, ट्रेंडिंग म्यूजिक सुनते हैं हम। चलो चलो भाई इतना ही सुना सकता हूँ मैं, वरना YouTube मेरे पे क्लेम मारेगा नहीं तो, ठीक है। चलो चलो बहुत फ्रेश हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को क्या कहना है, ठीक है। ज़्यादा न्यू म्यूजिक इसलिए नहीं सुन सकते हम क्योंकि बच्चों YouTube जनरली क्लेम मार देता है, अगर अपन 10 सेकंड से ज़्यादा अगर कोई गाना सुनते हैं YouTube पे, तो तुम लोगों ने देखा होगा अक्सर YouTube पे कोई भी वीडियो डालता है वो हार्डली 6-7 सेकंड के ऊपर गाने डालने को नहीं दिखता, ठीक है। चलो देखो वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है काइनेमैटिक्स, उस पे आते हैं, नेपाली गाने को बाद में सुनेंगे। अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके। पार्टिकल जो है बोलते हैं कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा, कंस्ट्रेंट मतलब कि उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेट लाइन में भेजने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, ओके। इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकंड, ओके। यानी कि वो ए से बी गया और बी से वापस ए पे आया, कितना टाइम लगा उसको ये सब करने में, 10 सेकंड, ठीक है। अब क्या बोला है, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज, टोटल डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, 30 मीटर ये दिया है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, सही बात है क्योंकि वापस ओरिजिनल पोजिशन पर आया है, सही है ये तो, पहला वाला स्टेटमेंट जो है सही है, मैं इसको लिखता हूँ सही। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड तो निकालनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड क्या होता है रे, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस उसने दिया है 30 मीटर, टोटल टाइम भी उसने दिया है 10 सेकंड, तो एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड, सही है, एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30, नहीं डिस्प्लेसमेंट तो 0 था ना, ये तो रॉन्ग है, तो आंसर ए और बी है, यानी कि आंसर डी है, आंसर क्या है आपका, डी है। चलो नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था ये तो, अरे अमृता राव आ गई पानी लेके, थोड़ा सा जल लीजिए, थक गए होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते, जल लीजिए भाई और आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलो जल ले लिया आपने, मैं भी थोड़ा जल ले लेता हूँ, 2 सेकंड पानी पीने दो भाई। चलो ठीक है, हो गया पानी पी गया, चलो थैंक यू फॉर द
याद दिलाने के लिए काफ़ी काफ़ी शुक्रिया अमृता राव जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे एक आदमी जा रहा है बोलते हैं। तो इस पे और एक चीज़ दी है उसने, देखो क्या बोला उसने, अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। देखो अभी पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को, यार स्टेबल नहीं रह पा रहा तब से, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेबल रखने की, ठीक है अब रहेगा शायद से। अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड, मान लो कि ए से आप, फिर से मैं क्यों बार बार क्वेश्चन को डायग्राम ड्रा करता हूँ, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आती है हमें। आप ए से बी चले गए, चलो ठीक है, ए से यानी कि उसका घर है यहाँ पे, उसका घर है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट है बोलते, क्या है यहाँ पे मार्केट, ठीक है। और कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया है उसने 2.5 किलोमीटर अवे, ओके पेन चेंज कर देता हूँ, दिस इज 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, किसके बीच में रहे, ए के बीच में और बी के बीच में। चलो नेक्स्ट, अब आगे उसने क्या बोला है? देखो, विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आर, ओके ए से जब वो बी गया, ए से जब वो बी गया तब उसकी स्पीड कुछ ऐसी थी, ए से जब आप बी गए या वो पर्सन गया तब उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आर। सर इसको कन्वर्ट करना है क्या? नहीं अभी नहीं, रहन दो ऐसे डेटा लिखो, ठीक है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक होम विथ अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आर, ओके वापस आते समय उसकी स्पीड यानी कि बी से लेके सी की स्पीड, सॉरी बी से लेके ए की जो स्पीड थी उसकी वो थी 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है उसने, द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 20 minutes, 0 to 40 minutes। ये क्वेश्चन दिखने में जितना आसान है ना उतना आसान है ही नहीं। सबसे पहले तो मुझे टाइम बताओ, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, हमारे पास ए से बी जाने में डिस्टेंस दिया है, घर से मार्केट जाने में जो डिस्टेंस है, ए से बी जाने में जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड ए से बी जाने में है उसकी दी है हमें 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम ए से बी जाने में क्वेश्चन मार्क, पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस ए बी अपॉन टाइम ए बी, सो मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, मुझे टाइम ए बी चाहिए। अब ज़रा देखो कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं डिस्टेंस आपको दिया है 2.5 किलोमीटर, टाइम वेलोसिटी आपको दी गई है 5, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 1/2 आवर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 1/2 आवर, ठीक है। 1/2 आवर मतलब कितना मिनट, हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स उसको लग गए, कहाँ से कहाँ जाने मेरे, घर से मार्केट जाने में कितने मिनट लग गए, 30 मिनट। अब यहाँ पे कन्वर्जन बताता हूँ वो याद रखना हमेशा लाइफ टाइम, एक आवर मतलब होता है 60 मिनट, यही होता है ना, एक घंटा मतलब कितना होता है 60 मिनट। और यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 60 × 1 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर। क्या कुछ चेंजेस किया मैंने, कुछ नहीं, छोटा सा चेंज किया बस, खाली 60 मिनट को मैंने बस ऐसे लिख दिया 60 × 1 मिनट। यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मिनट इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख दूँ 1 आवर, ये 60 को नीचे लाओ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा क्या, 1/60, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो रिलेशन मिला, मुझे ये बताना है आपको कि एक मिनट मतलब होता है 1/60 ऑफ आवर, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, हमें ए से बी का टाइम मिल गया, चलो ये आपका घर था होम और ये था मार्केट, यानी कि जाते समय जो टाइम लगा था हमें ए से बी वो टाइम कितना है बच्चों, वो टाइम आया अपना 30 मिनट, चलो ठीक है 30 मिनट उसको लग गया। अब वापस आने में कितना टाइम लगता है पहले ये फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, वापस आते समय उसकी बी टू ए की स्पीड दी है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम दिया है क्या हमें ए बी से ए आने में, नहीं, मार्केट से घर में आने में टाइम नहीं दिया है, लेकिन डिस्टेंस पता है, जितना जाने में डिस्टेंस लगेगा उतना ही आने में लगेगा ना। तो यहाँ पे बताओ मुझे क्या लिखूँ मैं, वी बी ए इक्वल्स टू डी बी ए अपॉन टी बी ए, तो यहाँ से जो टाइम चाहिए, टाइम बी से लेके यानी कि मार्केट से लेके घर में आने का, वो कुछ ऐसे निकालेंगे हम, दैट इज 2.5 डिवाइड बाय 7.5, तो ये आएगा बच्चों 1/3। 1/3 ऑफ आवर मतलब कितना होगा, ये 1/3 ऑफ आवर है, ठीक है।
चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 × 1 आवर, कुछ फ़र्क गिरा क्या ऊपर के रिलेशन में और नीचे के रिलेशन में? कुछ भी नहीं, अभी भी सेम है। 1/3 आवर को मैं, एक आवर मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट, सही है। तो ये कितना आएगा, 20 मिनट। तो बच्चों उसको वापस आने में कितना टाइम लग गया, 20 मिनट्स। जाते समय कितना टाइम लगा था, जाते समय टाइम लगा था 30 मिनट्स। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि उसने, उसको ओवरऑल टोटल टाइम जो है जर्नी का वो 50 मिनट है, लेकिन भाई साहब ने डाला है ट्विस्ट, उसने बोला है कि भाई पहले 40 मिनट में बताओ कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। अब 40 मिनट देखो अब मोशन कैसा है, वो ए पे था, होम घर पे था, घर से मार्केट चला गया, कितने टाइम में, 30 मिनट में। अब उसने, उसके पास कितने मिनट बचे, अभी सिर्फ 10, क्योंकि उसने बोला है कि 40 मिनट में एवरेज स्पीड निकालो, 40, तो 10 मिनट यानी कि अब यहाँ से निकलेगा तो 10 मिनट के बाद वो कहीं तो भी पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा मुझे नहीं मालूम, कहाँ पहुँचेगा मुझे नहीं मालूम। तो हो सकता है वो यहाँ पे पहुँच गया सी पॉइंट पे, कितने मिनट में, नेक्स्ट 10 मिनट में। तो आपको जो डिस्टेंस लेना है वो ए से लेके बी का और बी से लेके सी का, इतना ही डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अब आया ना क्वेश्चन ट्विस्ट का, चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है खाली। अब सॉल्व कैसे करोगे, हमने सब कुछ डेटा तो निकाल दिया, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, बी टू सी, वो हमें नहीं मालूम, ये 10 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया नहीं मालूम। हाँ अगर बी टू ये आता था तो हम डायरेक्टली क्या लिखते थे, 2.5 किलोमीटर। तो पहले बी से लेके सी का डिस्टेंस निकालो, बी से लेके डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, कितने स्पीड से गया था वो जाते समय, जाते समय की उसकी जो स्पीड थी वो थी 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना है बी से लेके सी का, बी से लेके सी का टाइम है अपना 10 मिनट। अब 10 मिनट से काम नहीं बनेगा, मुझे इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करोगे, 2 मिनट पहले मैंने आपको कुछ तो भी लिखा दिया था, 10 × 1 मिनट मतलब कितना, देखो मैंने आपको कुछ तो भी लिखा के दिया था, ये 1 मिनट मतलब कितना आवर होता है, 1/60 आवर। चलो आ जाओ इसको लेके, 1 मिनट मतलब कितना होता है, 1/60 ऑफ आवर, तो मैं ऐसा लिखूंगा 1 मिनट को, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अरे 1/6 आवर उसने कंज्यूम करे बी से लेके सी तक जाने में। अब जिसको सॉल्व करते हैं, फिर अपने को क्या चाहिए, एक्चुअली हमें चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस, ओके। तो वी बी टू सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी टू सी अपॉन टाइम बी टू सी, ठीक है। तो हमें चाहिए डिस्टेंस बी टू सी, सो डिस्टेंस बी टू सी इज वी बी सी, वी बी सी कितना है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 1/6 ऑफ आवर, ठीक है, 1/6 ऑफ, तो ये अराउंड आ जाएगा, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करता हूँ, 1 point something आएगा, ये आ जाएगा 1.25 किलोमीटर, ठीक है। अब जरा, अब इसको फिर से क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कुछ भी डाउट रहे। पहले आप घर पे थे, घर से मार्केट में गए, कितना डिस्टेंस है ये, 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर। बाद में आप कहाँ पे आए, सी पे आए, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये कितना दिया है, 1.25। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मेन क्वेश्चन पे, दैट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 2.5 + 1.25, ठीक है। तो कितना आएगा ये, ये आएगा बच्चों 3.75 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, ओके। उसके बाद टोटल टाइम कितना खाया इसने, ए से लेके, पहले तो मार्केट में जाने में इसने 30 मिनट लगा दिए, भाई ने बाद में 10 मिनट और लगा दिए, तो कितना हो गया, 40 मिनट। ये है आपका टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड तो कोई भी निकाल सकता है ना, अब कोई बच्चा भी निकाल सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। टोटल डिस्टेंस इज वॉट, 3.75, टोटल टाइम इज 40 मिनट। अब ये 40 मिनट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, ये 40 मिनट है, ऊपर में किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर मिनट तो नहीं होता है, तो फिर से कन्वर्जन करना पड़ेगा, एक सेकंड, सॉरी भाई छींक आई थी तगड़ी वाली। 3.75 / 40, 1 मिनट मतलब कितना आवर होगा, 1 मिनट मतलब होगा बच्चों 1/60 आवर। तो ये आ गया आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में, ये कैंसिल, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा 6 × 3.75 / 4, द आंसर इज इन किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल आंसर मैं लिख दूंगा डायरेक्टली, ये आ जाएगा कुछ 45/8, कितना आ जाएगा ये, अराउंड 45/8 आएगा किलोमीटर पर आवर में। आप भी सॉल्व कर लो, इसमें ऑप्शन दिए थे क्या हमें, एक बार देख लेता हूँ मैं ऑप्शंस क्या है,
लंबा क्वेश्चन गया रे, ये तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसलिए उसने बोला पानी पी लो, ये डी आंसर आएगा बेटा इसका, ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर जाना, आपके एक लाइक से मेरा वीडियो स्प्रेड होता है और काफ़ी लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, तीनों एक साथ करना है आपको, ठीक है। और ये सब काम करने से पहले पानी पी लेना, पानी पीते रहो भाई, पानी पीते रहो, पानी के साथ कमी नहीं करने का, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।